इकबाल साहब, अब पाकिस्तानी टीम ने पहले खेलते हुए 166 रन बनाए, अब से कुछ देर पहले तक 96 रन पे चार खिलाड़ी आउट हैं और 71 रन आई 48 बॉलों पर। आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने आज कम स्कोर किया है, गो के विकेटें तो अपनी सेव करके रखी लेकिन स्कोर बड़ा नहीं रख पाए? मेरा अपना ज्यादा ख्याल है कि पाकिस्तान इज शॉर्ट ऑफ एटलीस्ट 15 टू 20 रन और यही डिफरेंस होगा। मैं आपको ये बता रहा हूं, 94 for 3, 94 for 4। पाकिस्तान ने इससे पहले ये हुआ था 14 for 3 थे, इंग्लैंड 14 for 3 थे। देखें अभी वहां विकेट पे इस वक्त खड़े हुए मुइन अली और हैरी ब्रुक जिस अंदाज में खेल रहे हैं, उनको तो नासिर हुसैन जो इंग्लैंड के साबिक कप्तान है उन्होंने कह दिया कि अब ब्रुक को वर्ल्ड कप T20 जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है अक्टूबर में, उस टीम में शमूलियत से कोई नहीं रोक सकता। इंग्लैंड के सेलेक्टर्स के लिए उन्होंने एक चैलेंज दे दिया है, अब उनको लेना ही पड़ेगा। अब आज आपने उनका कैच छोड़ दिया, एक डॉली कैच। जब आप इतने बड़े प्लेयर का, आपको ये पता है पिछले मैच में भी उन्होंने कमाल की इनिंग्स खेली, दो बड़ी इनिंग्स खेल चुके हैं वो, और उनका कैच आपने छोड़ दिया, उसके बाद जनाब फिर ये होता है। नासिर हुसैन ने ऐसे ही नहीं कहा, उन्होंने अब तक अभी उनकी उम्र सिर्फ 23 साल है और जो पोटेंशियल उन्होंने दिखाया, द वे ही इज प्लेइंग आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, और जब ऐसे प्लेयर को जब चांस मिलता है ना तो फिर ये दूसरी टीम के लिए इकबाल साहब हम तो ये कह रहे हैं। आपने एक चीज नोट की होगी कि मुइन अली ने अब तक जितने टॉस जीता है ना उसमें उसने पहले बैटिंग की, फिर उसने अब विकेट को आज उसने रीड कर लिया, इसलिए कि ये जिस विकेट पे ये मैच हो रहा है ये रिवायती तौर पे कन्वेंशनली इस विकेट की ये बात है कि शुरू में ये विकेट जो फर्स्ट इनिंग होती है उसमें थोड़ा स्लो खेलती है और फिर जब सेकेंड इनिंग होती है जैसे इस वक्त इंग्लैंड बैट कर रहा है तो विकेट बड़ी आसान हो गई है, स्लो हो गई और इसमें शॉट्स खेलना बड़ा आसान है, पहली इनिंग्स में ऐसा नहीं होता, तो ये एक एडवांटेज मिल गया है और मुइन अली ने ये चार मैचों में यही सीखा। मतलब आप ये देखिए आज बड़ी हैरान हुई, सब लोग ये बात भी कर रहे थे मीडिया बॉक्स में भी कि जनाब ये टॉस जीत के आज ये मतलब बैटिंग नहीं कर रहा है, तो ये जनाब ये स्ट्रैटेजी होती है। उन्होंने कहा कि तमाम कॉम्बिनेशन का अजमाल है, देखें लाहौर में आगे जाके क्या होता है, तमाम चीजों को उन्हें मद्देनजर रखते हुए उन्होंने आज वो बैटिंग की और अब तक तो जो परफॉर्मेंस नजर आ रही है कि 14/3 के बाद अगर ये इस वक्त 96 स्कोर हो गया और चार आउट हैं तो मेरे ख्याल में उन्होंने बड़ी एक रेड अलर्ट दे दिया पाकिस्तान को कि वो 166 को चेस करने के चक्कर में है। अभी विकेट एक गिरी है मेरे ख्याल में, या एक मुइन अली हैज गॉन मेरे ख्याल में बैक टू द पवेलियन है, ये एक अच्छा बात है कि चलिए 5 विकेट हो गया और यस मुइन अली बोल्ड हो गए, तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए कम से कम 20 या 25 रन से। अभी भी पाकिस्तान के पास है ऑप्शन, अगर बाबर आजम जिनकी कप्तानी पे बहुत सारे सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, अगर वो अपने बॉलर्स को इंटेलिजेंटली यूज करें, देखिए उनके पास ऑप्शंस थोड़े से कम है, अभी उनके पास वसीम जूनियर आए हैं, वो इंजरी से आए हैं, इज ए गुड बॉलर, उनको भी आराम से इस्तेमाल करें, और जितने भी नवाज हैं यार, कोई उनके पास अगर कोई ट्रम्प कार्ड है, किसी को चाहते हैं कि T20 क्रिकेट में ऐसा भी बाज़ औक़ात होता है कि ऐसे बॉलर को ले आते हैं जो बॉलिंग नहीं करता और उसमें वो करते हैं गैम्बल करते हैं, इसे गैम्बल करने अगर बाबर आजम में ये है स्ट्रेटेजी, ये गट्स है और टीम मैनेजमेंट के साथ उनकी बात हुई जब, तो फिर वो गैम्बल करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ये पाकिस्तान और इस वक्त जो मैच है वो इक्वली पॉइज्ड लगता है। इंटरनेशनल मीडिया पर बोल छा गया, बोल बना हक और सच की आवाज। पाकिस्तान में बोल न्यूज को बंद क्यों किया जा रहा है? इंटरनेशनल मीडिया और अमरीकी काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन समेत हर प्लेटफॉर्म पर बोल न्यूज के चर्चे, बोल न्यूज की हक और सच की आवाज बंद करने पर सवालात उठाए जाने लगे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।